कक्षा सेटिंग प्रश्नावली 1.3 आज हम संनिकट के बारे में जानकारी करेंगे। प्रश्न एक है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। जैसे ए है, हल है 730 का निकट होगा बराबर 998 का निकट हुआ बराबर। यानी यहाँ हम सन्निकट मान में दाएं अंक तक देखते हैं, तो अगर दाएं अंक एक से चार तक है तो उस दाएं अंक को हटा देंगे, एक और दाएं अंक को और जीरो लगा देंगे। यानी और अगर 5 से 9 तक है तो एक अंक सैकड़ा का बढ़ जाएगा। अगर 50 से अधिक है तो सैकड़ा का, जैसे यहाँ 730 है तो ये 50 से कम है 30, तो 700 का 730 का सन्निकट 700 और 998 का सन्निकट यहाँ जो दाएं अंक है 98 है, ये 50 से अधिक है तो सैकड़ा का एक अंक बढ़ जाएगा, तो यहाँ 50 हो जाएगा। तो बराबर 700 प्लस 50 बी है, सात सौ छियानवे माइनस तीन सौ चौदह हल है 796 का बराबर 800 और 300 का 800 माइनस बराबर 500 12904 प्लस 2000 12904 प्लस 2888 तो यहाँ हल है, हल कहेंगे 12904 का सन्निकट बराबर 2888 सन्निकट मान बराबर तो बराबर 13000 बराबर। प्रश्न दो है, एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक का सन्निकट और एक निकटतम आकलन 10 तक का सन्निकट कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है इसका ए है,
443 प्लस 334 प्लस 4000 443 का संयोजन मान दो बराबर 343 का संयोजन मान दो बराबर 3 और 4 3 17 का संयोजन मान दो बराबर 4300 इसका बी है 1,08,700 माइनस 47,500 तो हल है 1,08,736 का संयोजन बराबर 1,08,700 और 47,500 का संयोजन मान बराबर 47,500 इसका सी है 8,325 माइनस 400 इसके बी है वो दूसरे का जो बी है वो आपको करना है 4,89,348 माइनस 48,362 तो 4,89,348 का सन्निकट हो गया उसका सन्निकट कर देंगे फिर इसका सन्निकट करके दोनों को घटा देंगे ये एक क्वेश्चन आपको पहले कार्य से करना है और पिछले क्लास में हमने 10 तक पावड़े लिखने और याद करने का काम किया था आज हम 11 का पावड़ा है वो लिखेंगे और याद करेंगे धन्यवाद।